हेलो दोस्तों नमस्ते वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया वर्सेस लेबनान इन द इंटर कॉन्टल कप फाइनल भाई कल हुआ बहुत मजेदार मैच था टू जीरो से इंडिया यहां पे जीती एंड भाई लोग वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इंडिया टू डोमिनेट दैट सेकंड हाफ द वे दे डिड सीरियसली कौन एक्सपेक्ट कर रहा था भाई सीरियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट हाफ जो हम लोग खेले मुझे ऐसा लगता था कि सेकंड हाफ में हो सकता है चांग या महेश कुछ यहाँ पे एक डायनामिक लेके आए यहाँ पे एक गोल स्कोर कर दिया हम लोग एंड वी विल विन दैट फ्रॉम लेबनान स्पार्ट वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड की भाई लेबनान यहाँ पे स्कोर कर देगी बट इतना पता था इंडिया जरूर स्कोर करेगी विदे फैशन आज इस वीडियो में हम लोग इस गेम को एनालाइज करेंगे फर्स्ट हाफ में क्या गलतियां हमने की एंड सेकेंड हाफ में भाई कैसा हमने उसको इम्प्रूव किया कैसे एक टीम में वो डायनामिक्स लाए कोहेशन लाया प्रॉपर एक बिलीफ रखी एंड भाई एंड मूवमेंट तक हमने गिव अप नहीं करा द प्रोसेस बहुत ही बढ़िया प्रोसेस सीरियसली गेम में भाई बात करेंगे जरूर प्लेयर रेटिंग्स करेंगे उसके बाद में भाई आई गोमेक ने क्या बताया उसके बारे में बात करेंगे आने वाले टूर्नामेंट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे भाई एंड ऑल्सो रैंकिंग में क्या इजाफा हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है तो लेट्स गेट स्टार्ट तो भाई बिफोर आई गेट इन टू दैट टैक्टिकल पार्ट एंड वी स्टार्ट यू नो टॉकिंग अबाउट इट लेट मी टेल यू सम बिग फैक्ट्स दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ठीक है यहाँ पे देखो भाई इंडिया टीम जो है लास्ट नाइन मैच में अनबीटन रही है ठीक है मैच में वी हैव गॉट एंड वन ड्रॉ सेवन सेवन क्लीन क्लीन शीट रखे हैं भाई उसमें बारह गोल्स हमने नाइन मैच में स्कोर किए हैं सिक्स बैक टू बैक क्लीन क्लीनशीट सिक्स क्लीन शीट जो है बैक टू बैक रखे हैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ था आई थिंक टू के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है ठीक है एंड उसके बाद में भाई रैंकिंग फीफा की रैंकिंग जो है छह पोजिशन चढ़ चुकी है इंडियन नेशनल टीम हम लोग थे पहले भाई 104 पे आई थिंक एंड नाउ वी आर ऑन 98 so, भाई तो भाई ये बहुत, भी, बहुत भी बड़े फैक्ट्स हमारे जैसे इंडियन फुटबॉल फैन के लिए तो भाई ये बहुत ही बहुत ही बड़े फैक्ट्स है वोट यू थिंक अबाउट दैट भाई जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाना नाउ विल गेट टू द दैक्टिकल पार्ट जहां पे हम लोग बात करेंगे भाई फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ की फर्स्ट हाफ अगर हम लोग बात करें भाई सीरियसली फर्स्ट हाफ के बारे में तो ट्वेंटी थर्ड मिनट तक इंडिया ने बहुत अच्छा पोजीशन को यहाँ पे संभाल रखा था बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रही थी दे वर गिविंग दैट वन टूज बहुत शॉर्ट पासिस टू बी ऑनेट अगर हम लोग पुराने गेम्स को देखें ये गेम को देखें तो यू कैन क्लियरली सी लॉन्ग बॉल्स हम लोग ज्यादा नहीं खेल रहे हैं वी आर जस्ट गोइंग फॉर दैट शॉर्ट पासिस यहाँ पे लॉन्ग बॉल्स कौन खेल रहा है जैसे हमारे बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स है यू कैन सी अनवर अनवरअली डूइंग दैट अगेन एंड अगेन थापा प्लेइंग एंड द डल प्योट डूइंग दैट अगेन अगेन क्योंकि वहां पे भाई ओपनिंग्स करना पड़ता है आपको जैसे आपको लेबनान प्रेस करेगी यहाँ पे प्लान था कि अनवर अली एंड थापा के बाद जब भी बॉल रहेगा लेबनान प्रेस करेगी दे विल गो फॉर द लॉन्ग बॉल्स बट अननेसेसरी लॉन्ग बॉल्स हम लोग नहीं डालेंगे एंड दैट्स वॉट वी वर डूइंग कोई अननेसेसरी लॉन्ग बॉल्स नहीं। इवन वेन वी वे स्ट्रगलिंग टू द पोजिशन हम लोग अननेसेसरी लॉन्ग बॉल्स के लिए नहीं गए विच इज अ ग्रेट साइन अगर हम लोग देखें इंडिया का हिस्ट्री लॉन्ग बॉल्स हमारे मतलब पार्ट ऑफ द गेम है ही है भाई यहाँ पे आइगोस्टाम ने जो नया सेटअप बनाया यहां पे 40 मेंबर्स की स्कॉड जो लेके आए थे इंडिया नेशन उसके बाद में यहाँ पे भी भाई इंटरकॉल्ड कप के पहले भी कैंप लगाया था वो फोर्टी मैन की स्क्ॉड ऐसा बोल रहे हैं कि आगे जाते भी हो सकता है यही फोर्टी मैन की स्कॉड आपको देखने के लिए मिले ये फोर्टी मैन के स्कॉड में भाई हमने वो एक मैंटेलिटी इंस्टिल की है ऑफ शॉर्ट पासिस लॉन्ग बॉल्स नहीं जाएंगे अननेसेसरी लॉन्ग बॉल्स नहीं डालेंगे जब बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे देन वी विल थिंक अबाउट इट वो वाली बात की है तो आई थिंक यहाँ पे देखो शॉर्ट पासिस सब लोगों को पसंद है यार लॉन्ग बॉल्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं जब उसका एक प्रॉपर आउटकम नहीं होता एंड वी डोंट हैव द हाइट वी डोंट हैव द बिल्ड कि हम लोग बड़े बड़े जैसे गल्फ के टीम्स होते हैं बहुत फिजिकल्स होते हैं उनके साथ में फाइट करें फॉर लॉन्ग बॉल्स तो यहाँ पे शॉर्ट पास इज द राइट आंसर एंड दैट्स व्हाट वी डिड अगेंस्ट लेबुना तो जैसे मैंने बताया भाई स्टार्टिंग के जो इनिशियल मिनट्स थे इंडिया वहां पर बहुत बढ़िया डॉमिनेट कर पा रही बट प्रॉब्लम वही था कि फाइनल थर्ड में हम लोग डिलीवरीज नहीं दे पा रहे थे फुल बैक्स अगेन वही छक्के लगा रहे थे जो क्रॉसेस थे बहुत भार मार रहे थे एंड उसके बाद यहाँ पे आशिक भाई ट्राइंग बट फाइनल थर्ड की डिलीवरी उसकी सही नहीं थी ही वॉज नॉट एबल टू ट्रैक बैक और ही वॉज नॉट एबल टू गो शोल्डर टू शोल्डर विद विदाइट बैक ऑफ अ लेबन ऑन उसके बाद में सहल का भी सेम प्रॉब्लम भाई रनस ले रहा है स्प्रिंट कर रहा है बट नॉट एबल टू होल्ड द बॉल रन्स ले रहा है स्प्रिंट कर रहा है बट नॉट एबल टू डिलीवर इन द फाइनल थर्ड वो सेम वही मिस्टेक्स भाई वही मिस्टेक्स और सहल के साथ भाई बहुत जल्दी वो थक जाता है आई डोंट नो वॉट्स द रीजन बट सहल हैज टू इम्प्रूव ही स्टैमिना यज टू वर्क ऑन इज इंडोरेंस ही इज गुड इन ड्रिबलिंग ही इज गुड टेक्निकली अच्छे जगह वो ले ले लेता है पोजिशन अच्छे ले, ले लेता है बट प्रॉब्लम वही है फाइनल थर्ड में वो पास डाल नहीं पाता तो भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई इंडिया को फर्स्ट you हाफ know, में भाई हम लोग बहुत सही चीजें कर रहे थे बट वहीं पर फाइनल थर्ड में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे वेरी बैड टू सी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग फाइनल थर्ड में तो भाई ये तो हुई अटैक की बात ही फर्स्ट हाफ अगर हम लोग डिफेंसिव पेयर के बारे में बात करें डिफेंस की बात करें तो भाई फ्रॉम डिफेंस आई एम नो नॉट गोना टेक एनी थिंग मतलब डिफेंस जो है एकदम बढ़िया थी फर्स्ट मिनट से फर्स्ट मिनट से लेकर फोर्टी फिफ्थ मिनट तक फर्स्ट ऑफ में बात कर रहा हूँ यहाँ पर डिफेंस बढ़िया थी भाई डिफेंस में मुझे कोई भी ऐसा गलती नहीं दिखी कि भाई जहाँ पर मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये गलती की उन्होंने हाँ थोड़े छोटे मोटे कम्युनिकेशन गैप्स आ रहे थे बट आई डोन् थिंक सो भाई यहाँ पर हम लोग डिफेंस को कुछ भी बोल सकते हैं बट हाँ मिड फील्ड जो थी मिड फील्ड में थोड़ी से गलतियां हो रही थी अगेन मिडफीड की बात करूँगा मैं जैसे जिकसन वॉज गिविंग लॉर्ड ऑफ गैप हप्पा बॉक्स बॉक्स खेलने की ट्राई कर रहा था ही वॉज ट्राइंग काइंड kind ऑफ of, आप बोल सकते हो बॉल कैरी करने की ट्राई कर रहा था ट्रैक बिल भी, भी बहुत अच्छे कर रहा था बट जिक्सन एंड सहल के बीच में बहुत बड़ा गैप रह रहा था एंड इट वॉज लाइक बोल सकते हैं, वहाँ पे एक पॉट होल मिल रहा था भाई लेबनान को ऑपरेट करने के लिए वो यू you नो know, वो एरिया में लेबनान बहुत फ्रीली ऑपरेट कर पा रही थी जिक्सन हैड अ बैड गेम टू बी ऑनस्ट जो फाइनल गेम था जिक्सन का बहुत ही खराब था बट प्रॉब्लम वही थी ना कि भाई अट्रैक मिड फील्डर एंड जिक्सन वॉट एबल टू कम्युनिकेट जिक्सन एंड थापा वे नॉट एबल टू कम्युनिकेट वो भी बात हो रही थी इसके लिए वो फील्ड पे आपको बड़ा सा गैप दिख रहा हो यहाँ पर तो ये थोड़ी सी गलती कर रही है हमने फर्स्ट हाफ में बट अगर आप सेकेंड हाफ में शिफ्ट होते हो तो भाई डायनामिक्स द दा कंपोजिशन द बिलीफ सडनली पूरा हर चीज शिफ्ट हो गया तो भाई इसके पीछे एक राज है जो आई थिंक सुनील सर ने बताया किसने बताया पता नहीं इंटरव्यू में बताया कि भाई यहाँ पे आई गो स्टाम ने बताया अगर आप ऐसे ही खेलते रहोगे तो ये जो जो भी प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं इनमें से आगे कोई नहीं जाएगा एक अलग टीम में खड़ा करूंगा ऐसे करके तो हो सकता है ये सच हो या झूठ हो पता नहीं बट सीरियसली

गोल यहाँ पे हेल्प हुआ फर्स्ट गोल केम इन यू कैन क्लियर सी यहाँ पे निखुल पुजारी ने भाई बहुत ही ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन किया एंड चांगते एंड चांगतेम्पोस्ट असिस्ट सुनील छेत्री सर टॉप क्लास भाई सुनील छेत्री सर वहाँ से मतलब वो पोजिशन मिस नहीं कर सीरियसली मिस नहीं कर उसके बाद इंक्लूजन ऑफ रोहित कुमार एंड महेश ऑब्वियस भाई दैट वॉज ऑब्वियस जैसे ही सब आए इम्पैक्ट दिखा भाई महेश अगेन बाय फाड़ू मतलब इन्वर्ट होकर अटैकिंग मिडफील्डर की पोजीशन भी ले रहा था लेफ्ट विंग पे भी खेल पा रहा था उसके बाद रोहित कुमार के वो पास इज दैट स्प्रेज स्प्रेज टॉप क्लास मैन मतलब सीरियसली रोहित कुमार ऐसा लग रहा था भाई ही इज कवरिंग कवरिंग ऑल 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 ग्राउंड ग्राउंड मैन द एंड टैकल्स बढ़िया थे पास बढ़िया थे आई थिंक एक भी मिस जस्ट पास उसने नहीं दिया कल के मैच में इवन महेश डिड द सेम एक दो बार उसने बॉल लॉस किया महेश ने बट ही वॉज सेम मैन बॉल होल्डिंग हो बॉल यू नो को कैरी करना हो या फिर शॉर्ट्स लेने हो टॉप क्लास अगेन द सेम पास वॉज ग्रेट अगेन सेकेंड गोल भी बहुत ही बढ़िया मतलब ओवरऑल अगर सेकेंड हाफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे टीम ने जो अलग कोशन दिखाया भाई इसकी तो मतलब दाद देनी पड़ेगी मतलब सीरियसली वे वी हैव प्लेड अगर हम लोग आगे की मैचेज में भी ऐसा खेलते हैं भाई इंडिया का जो फ्यूचर है फुटबॉल का फ्यूचर है वो एक अलग लेवल पे जाएगा एक अलग हद तक जाएगा सीरियसली तो भाई ये जो इंटर कॉन्डल कप था भाई यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्राइट स्पॉट था टू बी ऑनेस्ट कि हमने एक बहुत अच्छा माइंडसेट दिखाया कोहेशन दिखाया टीम बढ़िया बन रही है शॉर्ट पासिस कर रही है वी आर डोमिनेटिंग द पोजिशन ये सब चीजें चल रही है भाई यहाँ पे एक ही नेगेटिव पॉइंट मैं बताऊंगा आपको वो है स्ट्राइकर यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर लाइन की हमको जरूरत है भाई ना रहीम अली कोप अप कर पा रहा है प्रेशर से सुनील छेत्री सर तो भाई थर्टी एट ईयर ओल्ड है स्टिल गोइंग गुड बा वे एंड उसके बाद में ईशांत पंडिता इंजर्ड है भाई आई डोंट नो कि साफ से पहले वो आएगा नहीं आएगा अभी तक देर इज नो न्यूज उसके बाद हम लोग मारा ऑप्शन है भाई शिवशक्ति का शिवशक्ति स्टिल यू नो बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा इंजर्ड है थोड़ा सा इंजरी भी है उसको या फिर उसका बॉडी फार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आई जस्ट होप कि भाई साफ में आई होप कि ईशान ठीक होके आ जाए या फिर हम लोग और एक यहाँ पे स्ट्राइकर ऐड कर सकें तो बहुत ही बढ़िया होगा शिवशक्ति को वापस लेके आ सकते हैं भाई लेट्स सी शिवशक्ति के ऊपर मतलब सीरियसली क्या मतलब क्या नया अपडेट आता है वी वी हैव टू वेट एंड सी तो भाई हमारा जो मैच है नेक्स्ट पाकिस्तान के साथ में है ट्वेंटी फर्स्ट को मतलब एक दो दिन के बाद ही पाकिस्तान के साथ मैच है एक आई वॉन्ट कि भाई एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेके जाए बट आओ आई थिंक इट्स टू लेट लेट्स क्या यहाँ पे यू you नो know, आते हैं आगे अपडेट्स क्या आते हैं बट सीरियसली वी नीड अ स्ट्राइकर वी नीड अ स्ट्राइकर भाई लोग तो आगे बढ़ते हैं भाई बात करते हैं प्लेयर रेटिंग्स के मतलब किस प्लेयर ने ज्यादा इंप्रेस किया एंड किस प्लेयर को अपने ऊपर अपने एबिलिटी के ऊपर वर्क करने की जरूरत है तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो भाई यहाँ पे पहली बात करते हैं गुरप्रीत पाजी की भाई गुरप्रीत पाजी को मतलब बहुत ही बढ़िया था उनका गोलकीपिंग जितना भी उन्होंने कलेक्ट किया या फिर आप बोल सकते पीछे से कमांड करने की कोशिश कर रहे थे बहुत ही बढ़िया था स्पेशली द क्रॉस कलेक्शन बहुत ही उमदा एकदम एक लॉन्ग शॉट लगा था बट स्ट्रेट इन द हैंड पर यहाँ पे गुरुप्रीत पाजी को इन माई ओपिनियन शुड भी सेवन पॉइंट फाइव क्योंकि अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया किया ठीक है तो यहाँ पे आते हैं भाई नेक्स्ट निखिल पुजारी मैन पुजारी द मैन ऑफ द मूवमेंट मैन सीरियसली द वे ही वॉज वर्किंग गुड लिंकिंग अप चांगते एंड श्योरली नॉट अलाउिंग लेबनान इन द अटैक्स हाँ एक दो तीन गलतियां किए बट टू बी बॉनेस भाई बहुत ही बढ़िया पासस दिए उसके बाद बॉल को होल्ड करने की भी अच्छी कोशिश कर रहे थे प्रोसेस मार खा रहे थे बहुत ज्यादा प्रोसेस मार खा रहे थे निखिल के बट ओवरऑल ए डिसेंट परफॉर्मेंस इन माई ओपिनियन तो भाई यहाँ पे निखिल को भी मैं सेवन देता हूँ अनवर अली अगेन कपल ऑफ मिस्टेक्स बट ही मेड हिमसेल्फ ह्यूज अगेन सॉलिड डिफेंसिव लाइन अपनी होल्ड कर रहे थे भाई बहुत सारे key clearances की क्लियरेंसेस किए दो तीन अच्छे लॉन्ग बॉल्स भी डाले बॉल को ज्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे तो वे ही प्लेयर आई थिंक यहाँ पे इनको सेवन पॉइंट फाइव भी छूट एंड उसके आगे बढ़ते हैं भाई संदेह झिंगन आई थिंक संदेज झिंगन एट वन ऑफ द बेस्ट मैच इज इन दैट ब्लू जर्सी मैन सीरियसली ये टूर्नामेंट में संदेश झिंगन हैज बीन डॉमिनेटिंग मैन दैट परफॉर्मेंस दैट मैसिव मैसिव परफॉर्मेंस मैन उन्होंने मेंटेन करके रखा भाई अपनी चीज को बैकलैंड को यहाँ पे फिर से उन्होंने प्रॉपर कम्युनिकेट करके संभाले रखा प्रॉपर उन्होंने अपने डबल पीरियड के साथ में भी यहाँ पे कम्युनिकेट रखा एंड उसके बाद जो भी टैकल्स ले रहे थे भाई टॉप क्लास इंडिया बेस्ट सेंटर बैक बैकलैंड से इन द इंडर कॉर्नल कप भाई यहाँ पे बनता है भाई इनको संदेश झिंगर को एटलीस्ट टेन आउट ऑफ टेन बनता है इस मैच में सीरीज के मैच देर इज नो क्वेश्चन आस भाई संदेश झिंगन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा

हर मैच अच्छा नहीं जाता तो हो सकता है पे सिंह का भी सेम था थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की कमी थी उसमें बट अब बोल सकते हैं यार यहाँ फिजिकालिटी की भी बात आती है तो यहाँ पे लेबनान वेयर ओवर क्राउडिंग जिकसन यहाँ पे भाई जिक्सन उतना कुछ खास कर नहीं पाए बहुत ज्यादा गैप्स छोड़ रहे थे मिडफील्ड में तो तो दैट्स बाई जिक्सन को आज के मैच में बाई फोर पॉइंट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अनिरुद्ध तो थापा के प्रॉपर कैरिलरों के रोल में यहाँ पे थापा खेल रहे थे ऑल्सो बॉक्स बॉक्स के रोल में खेल रहे थे एक प्रॉपर डीप लाइंग प्ले मेकर की जैसा खेलना दो है दो तीन अच्छे स्विच ऑफ डायगोनल बॉल्स भाई बहुत ही बढ़िया किया यहाँ पे थापा ने तो यहाँ पे भाई यू कैन से हेल्पिंग इंडिया इन सस्टेन दैट प्रेशर फ्रॉम लेबनान आई कैन गिव हिम एट आगे बढ़ते हैं आशिक खुरियन फिर से भाई गुड बस्टिंग रन बट नॉट एबल टू कन्वर्ट इज चांस इन द थर्ड फाइनल थर्ड यहाँ पे भाई आशिक खुरियन उतना कुछ खास करे कर भी नहीं पाए रन दो तीन अच्छे थे क्रॉस एक दो तीन अच्छे थे बट टू बी ऑनस्ट ऑफ नो यूज तो भी यहाँ पे आशिक खुरिन को जो है हम लोग देते हैं फाइव पॉइंट फाइव सुनील चेधरी सर अगेन दैट ग्रेट लिंकअप बिटवीन द विंगर्स मैन बहुत ही बढ़िया यू नो कर रहे थे सहल के साथ में बहुत अच्छा लिंकअप कर पा रहे थे दे ट्राइड एंड ट्राइड भाई प्रॉपर ड्रीप यू नो ड्रॉप कर रहे थे एंड उसके बाद में भाई फ्रंट पे अच्छे रंस ले रहे थे प्रॉपर एक पॉचर फिनिश यहाँ पे उन्होंने किया तो दैट्स वाई सुनील सर को मिलते हैं एट पॉइंट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सहल अब्दुल समद की देखो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर इन माय ओपिनियन वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर बट यहाँ पे उनका फॉर्म ड्रॉप किया है एक्जैक्टली पता नहीं है बट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट द चांसेस एंड आल्सो भाई जो फाइनल थर्ड की डिलीवरी है बहुत ही थी पतरे बॉल बॉलिटेशन भी नहीं कर पा रहे थे कुछ अच्छे ड्रीवर्स किए की पासिस भी दिए बट वॉस नो यूज तो भाई फिर भी गिव सहल अ सिक्स पॉइंटर ओवर हियर चांगते मैन चांगते 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 की भाई कितनी तारीफ करे उतनी कम है भाई क्या रन ले रहे थे ब्रिलियंट रन ऑफ द बॉल मूवमेंट हो ऑन द बॉल मूवमेंट हो प्रॉपर आप बोल सकते हो भाई पूरे गेम में भाई पूरे गेम में उन्होंने ब्रेक्स लेते रहे एंड उसके बाद में जो रन ले रहे थे इन द डिफेंस ऑफ लेबनान वॉस टॉप क्लास बहुत ही बढ़िया क्लिनिकल गोल सेकेंड गोल जो उन्होंने स्कोर किया बहुत ही बढ़िया द फर्स्ट असिस्ट असिस्टी गेम बहुत ही बढ़िया प्रिसाइज असिस्ट प्रिसाइज गोल तो यहाँ पे भाई एक गोल और एक असिस्ट लेते हुए मेरे हिसाब से चांगते को यहाँ पे

चांगते ने कन्वर्ट किया बट दैट शॉट केम आउट ऑफ महेश एंड भाई बॉल को होल्ड करना हो लिंक अप प्ले की बात हो या फिर बॉल को स्प्रेड करना हो महेश यहाँ पे इन्वर्ट होके सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल ले रहे थे इसके लिए महेश को मैं देता हूँ भाई आठ पॉइंट तो भाई ये पॉइंट सिस्टम है एंड यहाँ पे भाई आइगोस्टाम के टैक्टिक्स के लिए प्रॉपर राइट सब्सिट्यूशन के लिए आज के मैच में स्पेशली आई एम गिविंग आउट ऑफ भाई बहुत ही बढ़िया सेटअप लगा रहा था भाई फॉर्मेशन जो इंटरचेंज हो रहा था द वे टीम वॉज मूविंग फॉरवर्ड एंड कमिंग बैकवर्ड ड्रॉपिंग डीप एवरीथिंग बहुत बढ़िया था मतलब बहुत ही बढ़िया था दैट्स वाई तो भाई आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट वॉट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड आगे क्या टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो भाई यहाँ पे फ्यूचर बहुत ही क्लियर है भाई वी आर प्लेइंग साफ चैंपियनशिप फर्स्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान सेकंड मैच है भाई हमारा अगेंस्ट नेपाल उसके बाद में हम लोग कुवेत भी खेलने वाले हैं तो ये तीन मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच होंगे तो भाई अगर ये पोजीशन हमको मेंटेन करके रखना है तो यहाँ पे भाई हर मैच हमको जीतना पड़ेगा इसके आगे जो भी मैचेस होंगे हमको जीत के दिखाने पड़ेंगे साफ चैंपियनशिप में बात भाई सेप्टेम्बर में किंग्स कप खेलने वाले हैं उसके बाद में मरडेगा कप खेलेंगे उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलेंगे भाई उसके बाद हो सकता है दिसंबर में एक आदि फ्रेंडली भी खेलने बिफोर द ए एफ सी एशियन कप बिग टूर्नामेंट कमिंग रैंकिंग की हम लोग है भाई हमारे जो टीचे है वो है बेलुरुस आई थिंक एट पॉइंट या सेवन पॉइंट का डिफरेंट है हमारे एंड बेलुरुस के पोजिशन में तो इफ यू वॉन्ट टू मेंिसंटी एट पोजिशन और पॉर्ट टू में वर्ल्ड कप के पॉर्ट टू में रहना है तो हमको यहां पे आगे के जो भी मैचेस आएंगे भाई जीतना है तो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई रिगार्डिंग रैंकिंग तो भाई रैंक पे है इसके आगे के मैचेस बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कब तक मैटर करेंगे ये साफ एंड होने तक तब तक ही मैटर करेंगे तो किंग्स कप होगा या फिर जो मडे कप होगा एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होंगे इसके रैंकिंग जो है जुलाई ट्वेंटी मतलब अगले साल के रैंकिंग्स में मैटर करेंगे इस साल के रैंकिंग्स में इसमें आपको इजाफा नहीं मिलेगा तो इजाफा तब मिलेगा जब आप साफ जीतोगे तभी आपको ज्यादा इजाफा मिलेगा एंड इसका बहुत ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो तो वी हैव टू बीन साफ इन एनी कंडीशन तो भाई दैट वॉज इट फॉर टूडे भाई लोग आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आपके जो भी कमेंट्स है आपके जो भी सजेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो भाई आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम लोग इंडियन फुटबॉल के अपडेट्स के बारे में बातें करते हैं मैच डे लिंक्स मिल जाएंगे आपको वहां पे ऑल्सो आप मुझे हेल्प कर सकते हो बाई ज्वाइनिंग द यूट्यूब मेंबरशिप विच इज ओनली सिक्सटी रुपीज भाई यूट्यूब मेंबरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको जब आप डिस्कॉट ज्वाइन कर तो दैट्स इट फॉर टूडे भाई लोग एंड नेक्स्ट टाइम जय हिंद